मध्य प्रदेश के बाद आज से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उसके साथ ही एक स्लोगन दिया गया कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। आखिर इस मास्क को लेकर के रायबरेली की जनता कितनी जागरूक है या रायबरेली के दुकानदार कितने जागरूक अभी तक हुए, इसकी आज रायबरेली एक्सप्रेस पड़ताल करेगा। इस समय आर एक्सप्रेस की टीम मौजूद है शहर के घंटा घर चौराहे पर एक दुकान में और वहां दिखाएंगे कि आखिर क्या कोई अभी यहाँ पे स्लोगन लगाया गया या नहीं लगाया गया या सरकार की जागरूकता को लेकर के कितना भी व्यापारी जागरूक इसको दिखाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं एक कपड़े की दुकान पे और आप देखना चाहेंगे यहाँ पे जो दुकानदार हैं ये लोग मास्क लगा चुके हैं और साथ ही आज से जिस प्रकार नाइट कर्फ्यू लगेगा उसको लेकर के जागरूक है। हमारे सब कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर कितना इस सरकार की सराहना करते। भाई साहब क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता, मैं व्यापारी। आज से नाइट कर्फ्यू है लेकिन उसके साथ ही सरकार ने एक स्लोगन दिया मास्क नहीं तो सामान नहीं, उसको लेकर के आप व्यापारी वर्ग कितना जागरूक हुए अभी तक क्या रहे? बिल्कुल, व्यापारी वर्ग इसको लेके बहुत जागरूक है। जागरूक जो नहीं है उनको जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि अब ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रोन का आया है इससे हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है। काफी तेजी से फैल रहा है और इसके सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट यही है कि ये काफी तेजी से फैलता है, तो इसके लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और जो बीच में अभी कुछ दिनों के लिए व्यापारी वर्ग और आम जनता जो भूल गई थी इसको फिर से एक माइंड में रखना पड़ेगा और इसको फिर से यूज उसी तरह करना पड़ेगा जैसे अभी तक कोरोना के पीरियड में कर रहे थे। यहाँ पे कई अभिभावक भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं आपके पास, तो कैसे उनको जागरूक किया जाता है क्योंकि काफी जागरूकता की कमी बच्चों में देखने को मिल रही है और बीते जिस प्रकार कोरोना की स्थितियाँ कम हुई थी उसके बाद लोगों में जागरूकता भी कमी, कैसे आप लोग उनको जागरूक करते क्योंकि मास्क नहीं तो सामान नहीं स्लोगन जरूर चल रहा है, कैसे आप लोग उनको मास्क के बिना एंट्री नहीं देते क्या रहेगा उस जागरूकता? देखिए, नो मास्क नो एंट्री का जो स्लोगन है वैसे तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी लगा हुआ है और कई जगह यहाँ पे रायबरेली में लग चुका है इस तरह का। ये एक चेतावनी होती है मेन कि आप मास्क लगा के रखिए जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये कस्टमर के लिए, अभिभावक के लिए, बच्चों के लिए, ये भलाई के लिए ही है और जब उनको ये टोका जाता है तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करके ही वो ना इसको तुरंत लगा लेते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि मास्क के कभी कभार जिसके पास अवेलेबल नहीं होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मास्क के व्यापारी एक दे देता है कि अगर कोई सामान लिया जा रहा है तो उसको एक कहते हैं सर्जिकल मास्क, बहुत ही मतलब कम रेंज का आता है तो एक मास्क भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आपकी दुकान में आते लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? देखिए मेन तो सबसे पहले एंट्री के टाइम पर ही टोका जाता है कि मास्क आप लगा के आइए। दूसरा सैनिटाइजेशन का, यहाँ पे सैनिटाइजर रखा रहता है, सबसे पहले उनके हाथ से सैनिटाइजर जो है वो यूज किया जाता है कि जिससे कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ है तो वो अपनी एक आदत में डालें कि अभी नहीं हो, कोरोना जिंदा है और कोरोना का नया वेरिएंट तो अभी आया है जिसके लिए अभी जीनोम सिक्वेंसिंग से उसकी जांच पड़ताल अभी चली रही है। तो अभी जब तक इसके लिए एकदम श्योरिटी नहीं हो जाती कि क्या कहते हैं कि नहीं अब ये वैक्सीनेशन से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, नहीं तो तब तक के लिए ये सब प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे जिससे कि ये फैलाव इसका कम से कम हो। और व्यापारी ही देखिए, एक हम लोग इस तरह की जागरूकता इसलिए भी फैलाते हैं क्योंकि एट लास्ट जो है व्यापारी ही कोरोना में सफर किया था और अगर कुछ इस तरह का होगा तो व्यापारी ही सफर करेगा, इसीलिए हम लोग जागरूकता को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों इस मामले में। तो बिल्कुल जैसा सरकार ने भी कहा है कि लोग अपनी दुकानों में लगा के रखें कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, यहाँ स्लोगन आप देख सकते हैं कि लगाया गया है बिना मास्क लगाए आए हुए तो सामान नहीं मिलेगा, कृपया मास्क लगाएं, सुरक्षित रहे जनहित में। तो कहीं ना कहीं अब दुकानों में भी देखा जा रहा है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में इस प्रकार के स्लोगन लगा रहे हैं और उसके बाद रायबरेली की जो जनता है उसको जागरूक करने का काम किया जा रहा है जिसके बाद ही यहाँ पे सामान देने का लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी लोग जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर एक्सप्रेस की टेस्ट रिपोर्ट।